रहीम, आज का हमारा लेक्चर है साल्ट। तो साल्ट क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड कौन से होते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की जो है ना, हम एग्जांपल पहले स्टडी करते हैं, फिर हम इसकी जो है डेफिनेशन करते हैं कि ये आयन से मिलकर बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से जो बनेंगे, जो आयन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब देखिए कि ये एसिड और बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड आयोनिक बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट। अब साल्ट की हम बात करें अगर इसकी एग्जाम्पल की, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद ये बेस है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक साल्ट। जो हमारे पास HCl क्या है? साल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना, वो एसिडिक और रेडिकल और बेसिक रेडिकल है। कि मतलब कि जो साल्ट बनते हैं वो एसिडिक रेडिकल से और बेसिक रेडिकल से बनते हैं। अब एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है? वो कहता है कि नॉन मेटैलिक आयन हमारे पास क्या है? नॉन मेटैलिक आयन, ये हमारे पास नॉन मेटैलिक आयन है, Cl Fe-। वो कहता है कि ये ड्राइव कहाँ से होते हैं? एसिड से। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। जिस तरह ये हमारे पास एसिड है, इससे एक आयन आया जिसके हम कहते हैं कि Cl-। ये कौन सा आयन है? ये नॉन मेटैलिक आयन है। किससे ड्राइव हुआ? एसिड से। इससे ड्राइव होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। उसके बाद मेटैलिक आयन, मेटैलिक आयन हमारे पास एन है, ये मेटल है, ये भी हमारे पास मेटल है, पोटाशियम। तो ये हमारे पास आयन है, ये कहाँ से ड्राइव होता है? बेस से। ये देखें NaOH है, NaOH से क्या ड्राइव हुआ हमारे पास? Na+। ये बेस से ड्राइव हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और ये साल्ट एसिडिक और बेसिक रेडिकल के कम्बिनेशन से फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। अब साल्ट की प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि हमारे